जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं चाहता हूं कि सीमा पर जो वीर मरते हैं वो लोग कुछ काम करें। क्या? पाकिस्तान को जल्दी से खत्म कर दें। क्या बनना चाहते हो आगे चल के? हम मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। वैज्ञानिक? मैकेनिक? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बनना चाहते हो? यस सर। क्या करता है वैज्ञानिक? वैज्ञानिक सारी खोज करता है। तुम क्या खोजोगे? मैं ऐसा बम बनाऊंगा कि एक ही बार में चीन खत्म हो जाए। एक बार में चीन खत्म हो जाए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? जी हिरोशिमा एक महाद्वीप है जापान देश का। मुझे मतलब ना इस हिरोशिमा पर सर जी दूसरा परमाणु बम गिरा था। मतलब सर जी किसी चीज को उड़ाने के लिए, मतलब सर जी पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। हिरोशिमा में पहला बम गिरा गया था। कौन सा बम? परमाणु बम। कौन गिराया था? अच्छा होता है परमाणु बम गिराना? नहीं। क्या होता है हानि परमाणु बम का? परमाणु बम से दूर दूर तक विस्फोट होता, विस्फोट होता है तो वायु प्रदूषण होता है, बहुत कुछ होता है उससे। सर जी जब वो गिराएंगे तो हम लोग भी गिराएंगे। उन्होंने हमारे सैनिकों को बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए। कहाँ कहाँ मारा था? पुलवामा में। किस को कहाँ कैसे तुमको पता चला? न्यूज पे। कौन सा न्यूज? एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज। अभी किस क्लास में हो तुम? अभी मैं 7 में हूँ। तुमको कैसे पता चला कि सीमा पे लोग मरे हैं? कहाँ से पता चला? जी सर जी न्यूज से पता चला। कौन सा न्यूज देखे थे? एबीपी न्यूज। इसमें इन बच्चों को कौन पढ़ाता है आज, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं आज? अब जैसे सर हमारे प्राथमिक के ही टीचर हैं जो इसमें जो है कि क्लास दिखवा लेते हैं। हम तो ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कोई टीचर है या नहीं? नहीं, कोई नहीं। ये केवल एक चार्ज के रूप में हमको मिल गया है कि विद्यालय आप खोलें। हाँ। तो अपने प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से बीच बीच में हम क्लास चलवा लेते हैं। 3-4 साल से सिर्फ एक टीचर रहते थे और दूसरा टीचर आए तो वो भी चले गए, उनका ट्रांसफर हो चुका। अब एक ही टीचर है, वो क्या करेंगे अकेले? वो तो रिटायर कर गए जी। अब कोई नहीं है जी सर? ये आए आप, कोई टीचर नहीं है जी? नहीं। आप पूर्व माध्यमिक विद्यालय बगरी में एक भी टीचर नहीं है। प्राइमरी के टीचर जो है हम लोग को पढ़ा रहे हैं। बिजली है बेटा? नहीं, बिजली भी नहीं है। कब से नहीं है? 6-7 साल वर्ष से। अच्छा। जैसे ऐसे सर ये केवल एक ही विद्यालय नहीं है सर, ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ केवल एक शिक्षक हैं, 3 क्लास है, इसे ऐसे कई विद्यालय हैं।
अयोध्या वासी डरे हैं। अयोध्या वासी तो क्यों डरे हैं भाई? हैं जैसे 90-92 में जो हो गया था दंगा, 92 में पूरा कर्फ्यू लग गया था 1 महीना करीब, तो लोग दहशत में है कि ऐसा ना हो कुछ ऐसा बवाल हो जाए। स्कूल जा रहे हैं, छुट्टी है इस टाइम। कब छुट्टी हो गया? अरे वो मतलब इस टाइम भीड़ चली और रास्ता हाँ। भी बंद है, कोई घर में जेंट्स है नहीं, अगर मान लो वहाँ से नहीं आ पाएंगे तो कौन लेने जाएगा? ये आज दिन के आने दिन के आज समस्या होती चली जा रही है। अभी 6 दिसंबर तक मान लीजिए आप कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा, आए दिन लोगों को असुविधा होती है इस चीज़ों के लिए। तो जैसे इतने लोग आते हैं तो आप लोग का बिजनेस का फायदा नहीं होता? कुछ नहीं बिजनेस होता है, जब सारे तरफ से रोड बंद कर दिए जाएंगे कौन सा आ जाए? हम लोगों को अगर कारीगर लड्डू बांधने आता तो वो भी नहीं आ पाता है। अब हम लोगों को घर जाना हो तो 1 किलोमीटर परिक्रमा कराएंगे, इधर से जाओ उधर से जाओ उधर से जाओ, उसके बाद हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जो भी बैरियर्स बनाए गए हैं, बैरियर में केवल एक एंट्री पॉइंट है, बाकी सारे एंट्री पॉइंट बंद हैं। ये केवल एक गेट पॉइंट है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक करीब आपको कम से कम 15 स्टेप्स ऐसे पड़ेंगे जहाँ पे आपकी चेकिंग फ्रिस्किंग होगी। कोई चीज़ अगर आप निर्णय करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ तो कुछ परेशानी आएगी पर कुछ होगा नहीं। लेकिन बाबा जी 5,789 लोग मारे गए, 1992 में जो ढांचा गिरा तो पूरे हिंदुस्तान में 8 शहर कर्फ्यू। ए भाई राम मंदिर भव्य बने, राम मंदिर ढांचा मस्जिद का जो भी ढांचा था विवादित तोड़ा गया, उसके लिए 1,000-2,000 मर गए, कोई चिंता नहीं, मर रहे जितना काम है संसार काम ही है। अब राम मंदिर आंदोलन में कोई मरेगा तो उसके लिए राम मंदिर जब बना मरे लोग तो कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी हो के ठीक है, राम के लिए मरे कोई इसके लिए थोड़ी मरे, राम के लिए पैदा हुए राम के लिए मरेंगे, इसमें क्या दिक्कत पड़ी है? जबरदस्ती ढोए के लाए गए, बस में लाद के लाए, गांव से लाद के लाए हैं। वो आदमी के अंदर एक दिली इच्छा रहती है चलिए अयोध्या दर्शन करेंगे, उसी बहाने में जाते हैं। आज बहुत से यादवों की भैंसें जो हैं उस पार जो है चरने को नहीं जा पाई हैं, बैरिकेड के नाते जो बराबर चरने के लिए दुधारू जानवर जाया करते थे वो नहीं जा पाए, काफ़ी लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। आज खुद की बात है, हमें एक आदमी को पैदल लेकर के अस्पताल गायत्री भवन गए। आम आदमी इस क्रियाकलाप से जो है दुखी है। अरे भाई मंदिर 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 एक बार फैसला हो जाए मंदिर बढ़ाओ वरना हम भी साथ में, लेकिन ये कहा है कि अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपनी पार्टी की वाहवाही करने के लिए आप आए बराबर। हम भी भगवान के भक्त हैं, रोज डेली भगवान राम की पूजा करते हैं, बिना पूजा किए पानी नहीं ग्रहण करते, लेकिन ये नहीं
नहीं, आपका गुस्सा तो जाए है, लेकिन आप ये बताइए कि पहले आपको रोजगार चाहिए या पहले राम मंदिर चाहिए? देखिए, पहले हमको रोजगार चाहिए। आज का नवयुवक अगर रोजगार रहेगा तो भगवान के देवी देवतम भी मन लगे, और अगर भूखा पेट रहे तो देवी देवतम भी मन न लगे। ये आम गरीब का कहना है। आपने मोदी जी के मन की बात सुनी है या नहीं सुनी? भाई साहब सुनो, जौन संसार में हो रहा, जौन हम दवा लेकर के महंगा खा रहा है, जौन अनाज लेकर महंगा खा रहा है, अभी मुश्किल से 10 दिन हुआ है, 5 रुपए किलो दाल की रेट बढ़ गई है। कैसे बढ़ी? मोदी जी दे हैं जवाब, क्योंकि योगी जी दे हैं जवाब। अब यहाँ के जनता को चाहिए कि उनसे जवाब सवाल करे,